ड्रैगन बॉल चैप्टर 102 कब रिलीज होगा उसकी तारीख भी बताएंगे और उससे जुड़े फन फैक्ट्स भी बताएंगे। ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है और आज हम आपको एक क्विक रिकैप भी देंगे जिसमें कि चैप्टर 102 से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 102 चैप्टर के रिलीज की डेट क्या होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, भूम शंकर महादेव, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 101 एक रीयूनियन में छोड़ दिया था और गोकू जो हर बार की तरह टेंशन फ्री है करंट सिचुएशंस को लेकर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आगे चैप्टर 102 में क्या होगा। उसका उत्तर भी मेरे पास है, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में अब तक हो क्या रहा है। तो अभी हम मांगा की एंड में है और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के सीन्स को मर्ज कर रहे हैं जिसमे कैस्मिन और सोल्जर 15 रेड रिबन आर्मी के चीफ मजेंटो की डेथ सेरेमनी को छोड़ रहे हैं और X1 और X2 के रूप में गोटेंक्स और ट्रंक्स अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए उनकी ड्रॉबरी और उनके प्लान को करप्ट कर रहे हैं। कारमाइन ने एक पावरफुल विलन को हराने के लिए X1 और X2 को भर्ती किया था, पर वो नहीं जानते कि वो खतरनाक विलन और कोई नहीं बल्कि बीस्ट गोहान है। कारमाइन गोहान के घर में हमला करने के लिए जाता है और गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है जिससे कि भाई सब डर जाते हैं। और इसी बीच गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही बीरस प्लेनेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेजिटा ने हर बार की तरह इस बार भी गोकू को हराने की ठान रखी है, उससे एक लेवल ऊपर जाने की ठान रखी है, पर रिजल्ट हमें पता है गोकू ही हमेशा उससे एक कदम आगे निकल जाता है। और ये सब अचानक से अर्थ से आ रही एक एनर्जी को महसूस करते हैं और अपनी ट्रेनिंग वहीं पे रोक देते हैं और गोकू बीरस प्लेनेट से टेलीपोर्ट होकर अपने बेटे गोहान के पास जाता है और चैप्टर 102 में हमें बाप बेटे की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। और ये फैक्ट कंफर्म है कि गोहान के बीस्ट फॉर्म के साथ गोकू 1-on-1 तो जरूर करेगा, पर जो गोहान का ये बीस्ट फॉर्म है, इस फॉर्म को अचीव करने के लिए गोहान के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, नहीं तो ये बीस्ट फॉर्म ट्रिगर होगा ही नहीं। और चैप्टर 102 के आने के बाद हम ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि गोकू और गोहान की ट्रेनिंग दिखने को मिल सकती है जिसमें गोकू गोहान को ये न्यू फॉर्म को बनाए रखने में मदद करेगा जिससे बाद में गोहान बीस्ट मोड अनलॉक कर सकता है। और इस बार हमें चैप्टर 102 के बाद गोहान का वो साइड रोल नहीं दिखेगा, शायद वो मेन फाइट हमें दिखने को मिलेगी जो गोहान की हम काफी टाइम से मिस कर रहे हैं। बात करें हम इसके रिलीज डेट की तो हमारे पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है विज मीडिया और शोनेन जंप से, वो 20 फेब को इस मांगा का 102 चैप्टर रिलीज होने की बात कर रहा है और टाइम डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए जापान में ये शायद से 21 फेब तक लॉन्च होगी। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना रिलीज डेट ऑफ चैप्टर 102 और 102 से जुड़े कुछ फैक्ट्स और अभी तक का एक क्विक रिकैप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव मेरे दोस्तों।